अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेफ़ फोल्डर के ऑप्शन के हवाले से, जो कि आपको ऑलमोस्ट सभी ओप्पो फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ओप्पो फ़ोन्स के अंदर समटाइम्स क्या होता है कि आपने अपनी पिक्चर्स को प्राइवेट करना होता है, या आपका कोई डेटा है, आपके कोई आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो किसी भी टाइप का आपका डेटा हो सकता है। अगर आपने उसको प्राइवेट कर दिया, अब आपको लाइक प्राइवेट मीन्स कि बिना पासवर्ड के आप उसको ओपन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने प्राइवेट रखनी होती है और गिरली के अंदर वो चीज़ शो ना हो, आप ये चाह रहे होते हो। तो प्राइवेट पहले तो हम करते कैसे हैं, मैं ये दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद ये आज की वीडियो में हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये करेंगे कि प्राइवेट सेफ का जो ऑप्शन जो फोल्डर होता है वो आपको आपकी सभी एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सारे फोल्डर शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक फोल्डर प्राइवेट सेफ का भी शो होता है, लेकिन सम टाइम्स वो हाइड हो जाता है या आप कहो कि यहाँ पर विजिबल नहीं होता। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो पिक्चर्स थी, जो हमारा मीडिया था जो कि हमने प्राइवेट किया था, वो कहाँ चला गया, कहीं हमसे मिस तो नहीं हो गया। तो वो आप सेटिंग्स के ऑप्शंस में जाकर कैसे उस फोल्डर को रिट्रीव कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपके सामने शो नहीं भी हो रहा तो आप कैसे जाकर सेटिंग्स में से उसको निकाल सकते हो, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सेटिंग्स के अंदर वो आपको ऑप्शन मिलता कहाँ पर है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि वैसे तो आप जो भी पिक्चर्स, वीडियोस या जो भी कुछ कैप्चर करते हो वो आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी के अंदर जाकर सेव हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक पिक्चर अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी वीडियो है ये मेरे पास। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो सेट एज प्राइवेट लिखा हुआ है। जैसे ही अगर मैं इसको सेट एज प्राइवेट कर दूँगी तो इट मीन्स कि अब ये गैलरी के तरफ से, मतलब गैलरी में से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये एक अलग से फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी, जो कि आपका प्राइवेटली प्राइवेट फोल्डर होता है और उसको आप बिना पासवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे साथ भी ये इशू आया था कि जो है वो मेरे मोबाइल में, यहाँ पर वैसे मुझे वो प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिलता था लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा था। तो वो किस तरह से आप उसको देख सकते हो, कहाँ से वो ऑप्शन आपको मिलेगा, चलिए आइए देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो शॉर्टकट में, या फिर आप सेटिंग्स के ऑप्शन को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लो। अच्छा, सेटिंग्स के ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट सब ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से आपने चले जाना है प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको प्राइवेट सेफ का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आपने जितने भी अपने मीडियाज लाइक पिक्चर्स, वीडियोस या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्राइवेट सेव किया था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जस्ट आपने पासवर्ड ऐड करने की, यहाँ पर आप पासवर्ड ऐड करोगे जो भी आपने लगाया होता है और आपको वो सारी चीज़ें जो है वो विजिबल हो जाएंगी। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ओप्पो फ़ोन के अंदर आपने प्राइवेट सेव का ऑप्शन कहाँ पर जाके देखना है, वीडियोस रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, जो दुआओं में आ देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।